सर, क्योंकि तो देखो बेटा, एनसीईआरटी बुक जो है उसमें ये जो लिखा, देखो ये वाला टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है बेटा, चेक करो। अच्छा, उसमें देखो एक चीज दिया गया है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक मैग्निफाई कर रहे हैं। जैसे ये जो 5 और 6 के बीच में 5.37 बार है, दैट मींस ये जो नंबर है ना, ये नंबर किसके बीच में आएगा, इसको मैग्निफाई करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इसको मैग्निफाई, इतना पोर्शन को मैग्निफाई करें तो इतना बड़ा हो जाएगा, इतने पोर्शन को मैग्निफाई करेंगे तो इतना बड़ा हो जाएंगे, ठीक बेटा। मैग्नीफाइंग, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसके थ्रू मैग्नीफाई किया जा रहा है। तो इतना जो पोर्शन है ना, ये वाला देखो 5.3 लिखा ना बेटा, ये वाला कितना लिखा 5.4, ये देखो 5.3, ये वाला 5.4, दैट मींस इसको मैग्नीफाई किया तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है बेटा, समझ में। ओके, उसके बाद दूसरा देखो इस वाले फिगर पे 5.37, 5. ये कितना बेटा 38, उसको मैग्निफाई किया देखो तो 5.37, 5.38 इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद 5.377 और 5.378 इसको मैग्निफाई किया तो इतना आ गया, फिर इसके बीच में वाला नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट, ये जो है 3.765, ये कौन सा है, एक्सरसाइज 1.1 का 1 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, क्लियर, चेक करो, ठीक है। पहले इसके लिए देखोगे स्टेप क्या होता है, देखो ये दिखा दे रहा है बेटा, बेटा ठीक से दिखाई दे रहा है बोर्ड में, क्लियर है ना बेटा। ओके, तो देखो 3.765 है, ये किसके बीच में लाइक करते हैं, 3 और 4 के बीच में, फिर उसको और बढ़ाएंगे, ये वाला किसके बीच में लाई करता है 3.7, 3.8, फिर ये किसके बीच में लाई करते हैं 3.76, 3.77, ठीक है ना। तो ये इसका स्टेप होता है 3.7, पहले फर्स्ट डिजिट कर लेंगे 3-4 के बीच में, 7 के लिए कर लेंगे 3.7, 3.8 के बीच में, 6 के लिए कर लेंगे 3.76, 3.77, और उसके बीच में फिर 3.765 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? ओके, तो फर्स्ट डिजिट 3 और 4, सेकंड के लिए 3.7, 3.8, 6 के लिए 3.76, 3.77, और इसी के बीच में देखो ये वाला नंबर आ जाएगा। और थोड़ा सा ये जो हम इसको लिखते हैं, इसका मतलब क्या, 3.0, 4.0, ये जो लिखते हैं 3.70 और 3.80, इसको जो लिखते हैं 3.760 और ये हो जाएंगे 3.770। तो ये जो 760 3 पॉइंट, इसके बीच में कौन-कौन आ जाएंगे, इसके बीच में एक चीज आएगा, वो हो जाएंगे 3.765, 0 है तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, लास्ट में जाएंगे 3.765। बात क्लियर हो बेटा? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले जो यहाँ पे स्टेप आता है 3 और 4, तो तुम इसको 3 और 4 लिखोगे, लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान रखना, 3 और 4 पहले मत लिखना। अच्छा बेटा, किसी का फोन आ रहा है, हाँ प्रभा बेटा, एक आईडी भेज रहा, उसी से कनेक्ट हो जा, अभी बोर्ड पे बोला रहा हूँ बेटा, ठीक है, आईडी और पासवर्ड भेज दिया, तुम्हारे पास पहुंच गया, देखो ये तो जूम आईडी होती है ना, आईडी को पुट करना, फिर पासवर्ड को पुट करना, ठीक है, इसे पुट करो, फिर कनेक्ट हो जाओगे, ये बोर्ड बना रहा हूँ, उसमें दिए बेटा, एक एक फोटो भेजा मैंने, उसमें एक नंबर है, वाला आईडी है, और एक नंबर है, एनवोकेट है, वाला पासवर्ड है, तो जूम ऐप से पुट करना, जूम ऐप से खोलना, जूम ऐप है, तो उसमें पुट करो, ठीक है।
अच्छा बेटा क्लियर मनोज हेलो। अच्छा ओके बेटा, किसी का कॉल आ गया था तो अभी बेटा ये चीज जो हम इसको बता रहे हैं ना 3 और 4, तो लोग पहले इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवीजन पहले इक्वल कर लोगे, उसके बाद 3 और 4 पुट कर दोगे। बात क्लियर? पहले इसे लाइन खींच लो, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें लिखोगे 3.1 3.2 3.3, एक छोटी लिख सकते हो, 4 हो गया 5 लिख दो, इसके बाद 6 7 लिख लो, 8 हो गया 9 लिख लो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4 और इधर क्या लिखोगे 3.0 4.0। ठीक है बेटा क्लियर? और पूरा लिखना चाहता तो इसे कभी लिख दो 3.4 3.6 3.8, कॉन्जेस्टेड होगा तो थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखना। बात क्लियर हुआ स्टेप 1? ओके गुड। तो अभी देखो 3.7 है, तो ये वाला 3.70 है, ये 7 1 7 2 7 3 7 4, बेटा इसे का पे डिजिट 7 1 थोड़ा सा इसमें इसे का भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। 4 है 3.73 3.72 3.71 3.1 2 3 4, ये वाला होगा 3.75, ये वाला होगा 3.76, दैट मींस ये वाला 3.20 इस जगह पर आएगा, तो इसके साथ इसको कनेक्ट करो, मतलब क्या इसको मैग्नीफाई किया, ये दोनों आ गया, ये 7 7 ये 3.78 3.79 और 3.80। ठीक है बेटा क्लियर? ओके अभी देखो 3.76 और 3.77 इसको मैग्नीफाई करना है, इसको जब मैग्नीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3.760 हो जाएंगे और ये वाला कितना होगा 3.770 हो जाएंगे। ठीक है बेटा अभी देखो इसके बीच में कितना डिवीजन होगा, ये 7.61 62 63 64, ये वाला 65 होगा जो हम लोग को चाहिए, ये वाला 3.766, ये वाला 3.767 768 769 770। ठीक है बेटा क्लियर? तो यहाँ पे एक छोटा सा जायगा भी था, उसको हमने पहले इसको मैग्नीफाई किया तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, जैसे होता है मैग्नीफाइंग क्लासेस एग्जांपल में दिया, एक बार एग्जांपल वाला भी चेक कराते देखो, जैसे वाला है यहाँ पे इसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दोगे तो ये वाला बन जाएगा, फिर इसके बीच में आ जाएंगे तो इसको पुट करोगे, इसको पुट करोगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर इसको पुट करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है तो इस जगह पे क्या होगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास पुट करोगे। ठीक है देखो 2.7 2.8 के बीच वाला नंबर यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको बड़ा कर दिया फिर बड़ा कर दिया तो इस जगह पे आ गया कौन सा 3.765। क्लियर बेटा? ठीक है अभी तुम लोग का होमवर्क देखो, होमवर्क का भी तुम्हारा जो है थोड़ा इधर प्रॉपरली लिख देता हूँ, होमवर्क हो गया एग्जाम्पल 11 करोगे, एग्जाम्पल 11 विजुअलाइज, फिर एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बेटा क्लियर? और साइंस का दिया था बेटा, साइंस का क्या होमवर्क दिया, एक्टिविटी 1.2 1.3 1.4 1.5, है ना, हमने एक्सप्लेन कर दिया था बेटा, और जो और कुछ एक्टिविटीज लिख रहे हैं, एक्टिविटीज में पहले डिस्क्रिप्शन होगा और उसके बाद उसका कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब रिजल्ट क्या होगा। ठीक
अंडरस्टूड। ओके तो आज क्लास यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है बेटा। ओके अभी क्लास खत्म हो गया, ठीक है बेटा। ओके।